Welcome to live session for parents from platform of Rails, sparking creativity in children. Let us begin with this session by name of Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim, in the name of Allah, who is most merciful, Rabbi Shahli sadri सरली अमरी व आहदा नहीं या फाह अपरदिगार मेरा सीना खोल दे मेरे काम को मेरे लिए आसान बना दे मेरी जुबान की गिर्रह खोल दे ताकि ये लोग मेरी बात को समझ सकें रिल्स रिसोर्स ऑफ इनोवेटिव एंड लाइवली लर्निंग स्किल्स अब सब लोग जिस इदारे के प्लेटफॉर्म से आज इकट्ठे हैं रिल्स मुखाफ नाम तो आप लोगों तक पहुँच चुका लेकिन इसका कंप्लीट नेम रिसोर्स ऑफ इनोवेटिव एंड लाइवली लर्निंग स्किल्स जिसके अगर उर्दू मानी को देखा जाए तो रिसोर्स जगह मम्बा ऐसी जगह जहाँ पे लर्निंग स्किल्स दी जा रही हों लर्निंग स्किल्स ऐसी सीखने वाली महारतें जो लाइवली भी हों जिंदगी में काम भी आए और इनोवेटिव भी हों जिद्दत हो उसमें कुछ नयापन हो ऐसी जगह जहाँ पे बच्चों को ऐसी महारतें सिखाई जा रही हैं जो उनको सीखने में हेल्प करें मदद करें और उनकी जिंदगी में काम आए और वो कुछ नया बन लेकर आए रिल्स लफ्स जो इस इदारे की वसात से आप तक पहली दफा पहुँचा वट डज इट मीन ये ख्याल तो आता है कि भाई जो लफ्ज़ मैं आज पढ़ रहा हूँ सुन रहा हूँ जो लफ्स मेरे सामने है इसका मानी क्या हो सकता है तो यहां मैं जिक्र करूंगा The paths of water created by water ऐसे रास्ते जो पानी अपने लिए खुद बनाता है उन्हें रिल्स कहा जाता है तो रिल्स इस इदारे का नाम ही वजाहत करता है कि ये इदारा बच्चों को किस तरह की तालीम देना चाहता है किस तरह की तरबियत करना चाहता है रिल्स एफिलेटेड है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ मब्रिज यूनिवर्सिटी वो इदारा है जो मोर देन वन हंड्रेड एंड एटी कंट्रीज बच्चों को इदारों को एजुकेशनल सपोर्ट फ्राहम करता है थ्री टू सेवनटीन ईयरस एज ओल्ड बच्चे इसमें एजुकेशन हासिल करते हैं और हमारा एफिलेशन नंबर थ्रू ब्रिटिश काउंसिल पी के नाइन सिक्स एट ग्रोइंग With the passage of time, we started way back in 2007. And now, at this moment, we are working at different locations. Uh, 20 campuses, RILS. RILS sister school, aspirants family, mashallah, it's also growing. Uh, it's number of campuses or number of people who are joining it. We working in different locations. RILS is a vision.

बड़ों का रोल तालीमी निज़ाम का रोल टीचर्स का रोल ये है कि उस बच्चे को उस टैलेंट उसके टैलेंट्स के साथ स्किल्स सिखाई जाए उसके टैलेंट्स को सामने रखते हुए स्किल्स दी जाए तो ये हमारा विजन है कि एवरी चाइल्ड हैज़ द पोटेंशियल, कोई बच्चा फेल नहीं होगा हर बच्चा कामयाब होगा इसी विजन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये विज़न है क्या और विजन की बुनियाद क्यों है तो इसको समझने के लिए पहले विजन को समझना होगा विजन ऐसा तस्वुर ऐसे ख्याल जो आपके पास हैं और आप दुनिया को भी उसकी तरफ लेकर आना चाहते हैं जो दुनिया आज नज़र आ रही है उसको आने वाले वक्त में आप कैसा देखना चाहते हैं वट डिफरेंस यू वॉन्ट टू क्रिएट द थिंग्स आर अराउंड यू पहले से बनी हुई हैं बनाई हुई हैं आप उसमें क्या तब्दीली करेंगे क्या चीज़ चेंज करना चाहते हैं किस तरह का रंग भरना चाहेंगे अ विजन इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डायरेक्शन एक नई सम्मत का ये बहुत से रास्तों को यकजा कर कर कोई एक नया रास्ता बनाना ये बहुत से रास्तों से होते हुए किसी एक मंजिल तक पहुंचना तो विजन ऐसा है कि आप मोल्ड करें किसी भी चीज को दुनिया को और दुनिया में पाने वाले आ, कुछ अशिया को लोगों के रहन सहन को विजन तब्दील करता है जैसे दुनिया के तमाम बड़े इदारों ने अपना अपना विजन लिखा न्यू स्काटलैंड यार्ड ये स्काटलैंड यार्ड वो इदारा है जो लंदन दुनिया का एक मशहूर शहर उसकी हिफाजत का जिम्मेदार है तो उन्होंने लिखा हुआ है टू मेक लंदन द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इन दुनिया में इस शहर को हमें सबसे महफूज शहर बनाना है और इस वक्त लंदन दुनिया के महफूज तरीन मकाम में से एक है इसी तरह सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल एप्पल uh, ने विजन लिखा टू ब्रिंग कंप्यूटर पावर टू मैन और उस विजन के बदौलत तो उसी पर काम करते हुए उस टीम वर्क के बदौलत वो आज दुनिया के इंसानों को ताकतवर कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं आप उनके लैपटॉप्स uh, यूज करते हैं कंप्यूटर्स यूज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और इस वक्त सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है जो दुनिया के इंसानों को कंप्यूटर जदीद तरीन कंप्यूटर मुहैया कर और ये साहब जो हैं बिल गेट्स इन्होंने लिखा लास्ट सेंचुरी के लास्ट डेकेड में कि कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क एंड इन एवरी होम ये उस वक्त लिखा जब हमारे हाथ कंप्यूटर का तस्वुर भी नहीं था यहाँ जानते भी नहीं थे तो उन्होंने उस वक्त लिखा कि मैं दुनिया में हर घर और हर डेस्क तक कंप्यूटर पहुंचाना चाहता हूँ और ये हमारा मिशन होगा हमारा विजन है और उनके विजन की बदौलत ना सिर्फ आज हर घर में हर डेस्क तक पहुंचा बल्कि अब तो हर हाथ में भी पहुंच चुका है दुनिया के हर खत्ते में पहुंच चुका है बड़े छोटे सब इससे मुस्तफ़ हो रहे हैं तो ये किसी विजन की बदौलत है कि दुनिया का नक्शा चेंज होता है और रिल्स हैज़ विजन और रिल्स का एम भी है कि दैट वी रोट इन टू थाउजेंड फोर्टीन वी द most recognized institution in gujranwala region by september 2020 and alhamdulillah we have achieved that and our next milestone is that will be known across pakistan by september 2027 so our um, vision is that by september 2027 inshallah we, our campuses will be working in all big cities of pakistan and moreover then our final next Milestone is to be known one of the best institution in the world by September 2045. Inshallah, we will reach our destination, our goal, and we are on the right direction. Alhamdulillah. Okay, our mission is to help children, students. So that they and how? By equipping them with required. कॉन्सेप्ट एंड स्किल्स करते हैं हम हम बच्चों को बताते हैं कि चीजें क्या हैं. देते कॉन्सेप्ट और फिर स्किल्स देते हैं उन कामों को करने की जो उनको चाहिए कामयाबी के लिए मिसाल के तौर पर कॉन्सेप्ट uh, को समझने के लिए मैं जो लोग आज पहली दफा ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ हैं उनका जिक्र करेंगे तो कॉन्सेप्ट वो है जो आपने जो आपने जाना किसी की चीज के बारे में मिसाल के तौर पर आप जानते हैं ड्राइविंग क्या है ड्राइविंग किसे कहते हैं ये है, तो है कॉन्सेप्ट हाँ भाई ड्राइविंग है किसी गाड़ी को चलाना वो कार को चलाना हो सकता है ट्रक को चलाना हो सकता है वो किसी बड़ी व्हीकल को चलाना हो सकता है तो ड्राइविंग है अब ड्राइविंग जानते हैं कि है क्या लेकिन क्या आप ड्राइविंग कर सकते हैं अच्छा आप में से जितने लोग ड्राइविंग कर सकते हैं उनके पास ये स्किल भी है तो ना सिर्फ कॉन्सेप्ट बल्कि उसके साथ साथ स्किल भी होनी चाहिए एंड दैट इज़ वट वी आर डूइंग हम अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट भी दें और स्किल्स भी दें और एट दिस प्लेटफॉर्म हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है हमारे वर्किंग स्टाइल का हिस्सा है वे तो ट्राई के बच्चों को कॉन्सेप्ट भी देते जाएँ और जिस हद तक मुमकिन हो उनको स्किलफुल भी करते चले जाएँ अच्छा रिन्स में कल्चर क्या है रिल्स आ, आ, कल्चर जैसे हर एक खत्ते का हर एक आ, मुल्क का हर एक सोसाइटी का और इवन एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ कम्युनिटीज का कल्चर होता है घरों का कल्चर है रिल्स का कल्चर है उसके कुछ अहम फीचर्स हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें एक चीज़ जिसका हम जिक्र करते हैं इतनी अहम है कि भाई अगर आप इसको समझ जाएं और समझ कर इम्प्लीमेंट कर दें तो और हमारे मुल्क में रहने वाले लोग हमारे सोशल कम्युनिटी का ये हिस्सा बन जाए किसी फैमिली का हिस्सा बन जाए किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए किसी इदारे का हिस्सा बन जाए तो इससे एक तरह से काया ही पलट जाएगी कुछ और बन जाएगी दुनिया दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी इसमें कामयाबी का तनासब बहुत आगे चला जाएगा और वो है सी टी बी जी सी टी बी जी है क्या एक्चुअली और इसका तस्वुर इतना अहमियत का हामिल क्यों है क्या कहा जाता है क्यों है इतना हामिल अहम इस सी टी बीजीच गुड मीन आप किसी भी बच्चे के साथ अपने बच्चों की परवरिश करते हुए तालीम करते हुए तरबियत करते हुए उनके साथ उस वक्त कम्युनिकेट करें जब उन्होंने कोई अच्छा काम किया है जब उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो किसी की हेल्प लिए हेल्पफुल हो सकता है या वो अपने लिए कुछ सीखने के लिए अपने आप को मनज़म करने के लिए डिसिप्लिन करने के लिए अपने आप को अवेयर करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं और वो करते हैं तो उनकी उस वक्त उनको बताएं कि उन्होंने अच्छा काम किया उनके साथ इंट्रेक्ट करें अच्छा करते होंगे भी पहले भी इंट्रेक्शन होती होगी लेकिन एक पहलू जो हमारे यहाँ सोशली ज़्यादातर किया जाता है असलाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो डांट डपट तो बच्चों के साथ नॉर्मली ये ऑब्जर्व किया गया है देखा गया है कि बच्चों के साथ इंट्रेक्शन उस वक़्त होती है जब बच्चे कुछ बुरा काम कर रहे होते हैं कुछ तोड़फोड़ कर रहे होते हैं कुछ शोर कर रहे होते हैं कुछ ऐसा काम करते हैं जो नापसंदीदा हो उस वक़्त उनको आवाज़ भी दी जाती है उनको बुलाया भी जाता है बाज़ात उनको घूरा भी जाता है उनको डांट डपट भी की जाती है कोई भी सज़ा के तौर पर कुछ एक्टिविटी कर दी जाती है घरों में आ, इदारों में भी तो बच्चा उस काम को जहन में महफूज कर लेता है कि ये काम हुआ तो मेरे साथ ये रवैया हुआ अब अगर तस्वुर करें बहुत छोटे बच्चों के बुनियाद ही जब बन रही है जब माएँ उनके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं जब उनके बड़े बहन भाई इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके कज़न्स या उनके अंकल जो भी उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं अगर उस वक्त करें जब वो खिलखिला रहा है जब वो अच्छा काम कर रहा है वो आराम से बैठा हुआ है उसने प्लेट उठाकर बड़े उस सलीके से रखी जहाँ पे उसे रखनी चाहिए थी या उसने चलते हुए बहुत अच्छा पॉस्चर रखा किसी भी घर की चीज़ को उठाकर उस वापस उसकी जगह पर रख दिया मेहमान आए हुए थे तो उनके साथ बड़े शाइस्ता लहजे में अच्छे अल्फाज के साथ बातचीत शुरू कर दी तो ये सारी चीज़ें अगर बच्चा कर रहा है उस वक़्त उससे इंटरेक्ट की जाए तो वो ये चीज़ों को बार बार करना चाहेगा ये एक ह्यूमन uh, नेचर है दैट दे अटेंशन अटेंशन ऑफ द पीपल स्पेशली दे लाइक तो बच्चा अपनी मदर को लाइक करता है बच्चा अपने घर में मौजूद जिन अफराद को लाइक करता है अगर उनके साथ अट्रैक्शन का उस वक्त कॉन्टेक्ट का मौका मिले जब वो अच्छा काम कर रहा तो वो बार बार उस काम को करना चाहेगा तो सी टी बी जी इज़ कि जब वो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे इंटेक्ट करें इंट्रैक्ट करें इस तरह उन बच्चों में ये रुझान बढ़ेगा कि मैंने ज़्यादा अच्छे काम करने हैं और जब वो ज़्यादा अच्छे काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली दुनिया बेहतर होगी वो अपने लिए भी बेहतर होगी और दुनिया के लिए भी बेहतर होते चले जाएंगे तो ये सी टी बी जी अगर इसको समझ लिया जाए मदर्स फैमिलीज़ इसको अपनी रूटीन्स का हिस्सा बना लें तो ये बहुत ही कार आमद टेक्निक हो सकती है हमारे मुल्क में हमारे घर में हमारे अपने बच्चों के लिए उनके बेहतर नशोनम के लिए उनके बेहतर शख्सियत के लिए उनकी बेहतर जिंदगी के लिए अच्छा एक दूसरी टेक्निक जिसका जिक्र करते हैं वो है थ्री फेजेस डिसिप्लिन नो डाउट डिसिप्लिन का लफ्ज जब आता है तो ये समझ आता है कि डिसिप्लिन जरूरी है बच्चों के लिए इंसानों के लिए फैमिलीज के लिए इदारों के लिए कौमों के लिए तो डिसिप्लिन करने के लिए कार क्या कार्याार किया जाए सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है लेकिन सेल्फ ऑर्गेनाइज करने के लिए जो बड़ों का हेल्प हो सकती है कि बच्चों को ऑर्गेनाइज होना सिखाया जाए तो वो सिखाया कैसे जाए क्या किया जाए उसका तरीका यह है कि अगर हमें उन्हें कोई भी काम सिखाना है तो सबसे पहला फेज है इंट्रोडक्टरी फेज जिसमें हम बच्चे को तारुफ करा रहे होते हैं जैसे मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि बच्चा जब भी आ, कोई आ, करना शुरू करे चलना शुरू करे तो वो कितार में चलना शुरू करें वो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर कितार बनाकर चले तो हम पहले तो कितार के फायदे बताएं कितार बनाने का तरीका बताएं और बच्चों को बताएं कि भाई ये तरीका है इस तरीके से कितार में चलना है आप लोगों ने और जब बच्चों को पता चल गया फिर उनको कितार में चलाएं और जब वो चलने लगे और कितार से इधर उधर होने लगे तो उन्हें तरीका बताएं कि आपने कैसे अगर कितना फासला रखना है किस तरह अपने अपने आप को सही कितार के अंदर रखना है और स्पोर्ट करें ये दूसरा जो फेज है वो है स्पोर्टिव पहला इंट्रोडक्टरी दूसरा स्पोर्टिव और तीसरा आता है इम्प्लीमेंटेशन जैसे स्कूल में अगर बच्चे कितार में नहीं होंगे और उनको बताया गया कि भाई आपने स्कूल अपनी क्लास से प्ले ग्राउंड तक कितार में पहुंचना है और अगर वो लाइन में नहीं है तो भाई आप आज स्पोर्ट्स पीरियड की इस एक्टिविटी में शामिल नहीं हो पाएंगे ये है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज बच्चों को कॉन्सिक्वेंस सिखाए जाए बताए जाए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके नतज होंगे जैसे घरों में अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चों को स्क्रीन टाइम देना चाहते हैं टीवी देखना कार्टून्स देखना क्योंकि तो आप ठीक है आपके लिए रूल है कि आपने घर में कार्टून देखने का एक टाइम सेटल कर दिया आपने एक मखसूस वक्त दे दिया कि आपने छह बजे से लेकर साढ़े छह बजे तक कार्टून देखने हैं और ये आपके लिए अवेलेबल है ठीक है और हम इतना टाइम देखेंगे तो ये बेहतर होगा टीवी को इतनी आवाज़ रखेंगे उसमें वॉल्यूम इतना रखेंगे और इस तरह देखेंगे बच्चे को पहले बताया जाए और फिर उसको सपोर्ट किया जाए सपोर्ट किस तरह पहले बता दिया कि भाई छः बजे से साढ़े छः बजे फिर सपोर्ट किया जाए कि भाई इसको अब आप, आपने देखना है आवाज़ इसकी इतनी रखनी है इस पर तो ये वाले कार्टून देखने हैं और जब वो देखना शुरू करे फिर थर्टी मिनट के ऊपर उसे कह दिया जाए कि भाई अब इसे छोड़ दें उसे सपोर्ट करें आहिस्ता आहिस्ता कि ये टाइम हो गया और आपने छोड़ देना आपने एक हफ्ते के लिए सपोर्ट किया बता दिया और उस पर स्पोर्ट करते हुए आपने इंसिस्ट किया आप फर्म रहे उनको बताया कि भाई ये काम करना है तो बच्चा उस लाइन में आ, आना शुरू हो जाता है लेकिन जब वो उस चीज़ को सीख जाता है कि हाँ भाई ये रूल है ये बनाया गया है इस पर मुझे अमल करना है फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ हैं इम्प्लीमेंटेशन में फिर उस बच्चे को बता दें कि अब इसके कॉन्सिक्वेंसिस होंगे आपको पता है कि आपका ये रूल है आप इतनी देर तक इसको देखें और जब अगर नहीं देखेंगे अगर आप छोड़ देंगे वक़्त पे तो ठीक और अगर आप वक्त पे नहीं छोड़ेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये होंगे कि आप आपको हो सकता है आपकी पसंद की डिश उस वक्त टाइम पे ना मिल सके या आपकी पसंद की और गेम आपको ना मिल सके या अगर आज आप इसको छह बजे के बाद भी देख रहे हैं तो कल आपके लिए टीवी ऑफ कर दिया जाएगा कल आपको ये मौका दोबारा नहीं दिया जाएगा और अगर वो चंद मिनट ऊपर हो गया थर्ड है इंप्लीमेंटेशन आप कोई भी रूल बताना चाहते हैं बच्चों को तो इन तीन फेजेस से गुजारें कोई भी रूल अचानक बच्चों पर बता के उसी वक्त इंप्लीमेंट ना करें अगर और नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम चिल्ड्रेन जो आपने पहले से उनको बताया नहीं है इट्स बेटर टू एक्सपेक्ट द थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड ऑलरेडी सपोर्टेड एंड देन इंप्लीमेंटेड एकदम से आप कह दें जी आज से टीवी बंद हो गया आपके लिए तो बंद क्यों हो गया रीजंस क्या हैं उसकी उसके लिए बच्चे को बच्चे के अंदर इनक्यूरिओसिटीवनेस होगी पूछेगा सवाल तो बेहतर है कि एक ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिसके ये बच्चा सोचने समझने के साथ अपने आप को ऑर्गेनाइज करे और उसके सवालों का रुख सीखने की तरफ हो ना कि रिबिलियस हो जाए इसके बाद है अप्रोच एल एस आर डब्ल्यू एल एस आर डब्ल्यू किसी भी जुबान को सिखाने के लिए पूरी दुनिया में जो तरीका बेहतरीन इख्तियार किया जाता है उसमें एल एस आर डब्ल्यू को देखा जाता है और एल एस आर डब्ल्यू है क्या सबसे पहले लिसनिंग बच्चे की लिसनिंग गौर करना गौर क्या करना कि क्या वो सुन सकता है वो अल्फाज को सुन लेता है अल्फाज को सुन के उनको समझ पाता है फिक्रे को सुन जाता है फकरे के साथ कनेक्टिविटी करता है नेक्स्ट सेंटेंस की पैराग्राफ बन जाता है और क्या वो एक कहानी को आगाज से लेकर अंजाम तक स्टार्ट टू एंड क्लाइमेक्स तक उसको समझ आती है और देन क्या वो उसको एक्सप्रेस कर सकता है स्पीकिंग पावर्स क्या है क्या वो लहजों को भी नोट करता है सुनते हुए और जब एक्सप्रेस करता है तो उस वक्त उसे इस चीज़ के बारे में इल्म हो गया कि मुझे जिससे बात करनी है किसी भी फर्द से मेरा लहजा क्या होना चाहिए मेरा वॉल्यूम लेवल कितना होना चाहिए मेरे अल्फाज का इंतखाब कैसा होना चाहिए क्या वो इन चीज़ों को ख्याल रखता है क्या वो इन चीज़ों को देख लेता है या वो समझते हैं कि यस ये मैं जो आ, मेरे सामने फर्द है मुझे इनके साथ मेरा आवाज़ का वॉल्यूम कितना होना चाहिए मेरे अल्फाज का इंतखा कहना कैसा होना चाहिए मेरा लहजा कहना हो कैसा होना चाहिए तो लिसनिंग के बाद स्पीकिंग और स, जब बच्चा लिसनिंग और स्पीकिंग स्पी, आ, स्पीकिंग में बेहतर हो जाए फिर रीडिंग की तरफ आप कोई लफ्ज़ कोई फकर या कोई कहानी मजमून कोई से पढ़ाना चाहते हैं से पढ़ाएं और रीडिंग में वो लेटर से शुरू करें वर्ड्स वर्ड्स से बुक्स तो उसे जितनी एक्सटेंसिव रीडिंग करा सकते हैं कराइए रीडिंग कर लेगा बच्चा तो फिर उसे राइटिंग की तरफ लेकर आए तीन मरहल से पहले गुजर गया लिसनिंग कर ली स्पीकिंग कर ली रीडिंग कर ली एंड दे अब राइटिंग के पहले इस मरहले को समझना जरूरी है कि आज राइटिंग की जरूरत है क्या बच्चों को राइटिंग किस चीज की क्या वो अल्फाज की राइटिंग है, हैंड राइटिंग है या वो कंटेंट है कि वो कहना चाह रहा है जो वो उसको कह सके एक्सप्रेस कर सके वो कुछ लिखा हुआ है उसको कॉपी कराना है बच्चे को या खुद उसे इस काबिल बनाना है कि वो खुद से कुछ अल्फाज का इंतखाब करे कुछ फिक्रात को इकट्ठा कर सकता हो कोई पैराग्राफ बना सकता हो कोई स्टोरी बना सकता हो तो राइटिंग को बड़ा मिस इंटरप्रेट क्रिएट किया जाता है इन आवर कम्युनिटी स्पेशली इन आवर एजुकेशन सेक्टर जिसमें चाहिए कि हम इसको समझ पाएं कि बच्चों की राइटिंग स्किल उनकी सेल्फ राइटिंग होनी चाहिए फिर तो इसके बाद है ब्लूम्स टिक्सानोमी ब्लूम्स टिक्सानोमी ऐसा टेक्सानोमी है जो सवाल पूछे जाते हैं उनकी उनको कैटेगराइज करती है रिल्स में शुरू से ही इसकी ट्रेनिंग्स टीचर्स को दी जाती है बच्चों से सवाल इसकी इस इस टेक्सानोमी के मुताबिक पूछे जाते हैं और ये टेक्सानोमी बताती क्या है ये टेक्सानोमी बताती है कि छः किस्म के सवाल होते हैं जो किए जाते हैं उन छः किस्म के सवालत में से भी तीन किस्म ऐसी हैं जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग है जो आम सतह के जहन है वो करते हैं पैदावार होती है और तीन किस्म के ऐसे सवालात हैं जो इंसानों को बेहतर सोच वाले हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए तैयार करते हैं ये डीप ट्रेनिंग है इसके लिए यहाँ रिल्स में इसको ट्रेनिंग की जाती है टीचर्स की और बच्चों से किस्म के सवाल पूछे जाते हैं ये वो सवाल हैं जो नॉर्मली हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में नहीं पूछे जाते थे जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई भी कहानी जो आपको याद हो जो आपने बचपन से पढ़ी हो मिसाल के मैं कह दूंगा एक वो आ, कहानी थी लालच बुरी बला है जिसमें एक कुत्ता एक गोश्त का टुकड़ा लेकर कसाई की दुकान से गुजर रहा है और पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है और दूसरा हासिल करने के लिए पानी में छलांग लगा देता है और वो उस टुकड़े को भी खो देता है तो वो आ, लालच बुरी बला कहानी पढ़ी तो उसमें जो सवालात थे जितने सवाल हमसे पूछे जाते थे या उस तली निसाब का हिस्सा थे उसमें बच्चों के लोअर ऑर्डर थिंकिंग पे काम किया जाता था जिसमें सिर्फ उस कहानी को बताया जाता था उस कहानी में क्या हुआ उसके बारे में बताया जाता था लेकिन कहानी में क्यों ऐसा हुआ और उससे उसके अलावा क्या कुछ हो सकता था या उस कहानी के जो नतीजा है उसके अलावा और क्या नतीजा हो सकता था क्रैक्टर्स को तब्दील करने के लिए और उस में दूसरे करैक्टर्स का तस्वुर उसके ख्याल दूसरी तरफ से जानने के लिए वो सवाल नहीं किए जाते थे ऐसे सवाल जो थोड़े मुख्तलफ हों मिसाल के तौर पर वो कुत्ता उसे कसाई की भूख इतनी ज्यादा लगी हुई थी तो उसे क्या जरूरत थी कि वो गोश्त का टुकड़ा लेकर ऐसी जगह दूर दराज जाकर खाए अगर वो भूखा था तो उसे तो उसी वक्त खा लेना चाहिए था वहाँ पे। या उसके पास और क्या क्या ऑप्शन थी और वो वाकई कसाई की दुकान उस पुल के करीब थी और अगर ऐसा ही था वहां खो गया तो क्या उसे दोबारा कसाई की दुकान तक जाने का मौका मिल सकता था या नहीं ये वो सवाल हैं जो बच्चों के जहनों में उभरते हैं और उभारने चाहिए माहौल को ताकि ऐसे सवाल जो एग्जिस्ट वहाँ नहीं कर रहे नए से नए सवाल पूछें और उन सवालों की बुनियाद पर अपने इल्म को बढ़ाते चले जाएं तो ब्लूमस्टिक्सोमी को भी रिल्स के इस माहौल में बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और बच्चों को ऐसे सवाल पूछे जाते हैं सो प्रॉपरली वेलकम टू रिल्स फैमिली फॉर पेरेंट्स जिसका हम आज आपके साथ इंट्रेक्ट कर रहे हैं दैट इज स्पार्किंग कम्युनिटी, स्पार्किंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। कुरान पाक में शोरा फाल जिक्र है और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है और यह कि अल्लाह के पास नेकियों का बड़ा सवाब है इसी तरह एक हदीस का मफहूम है अपनी औलाद को अदब सिखाओ और उनके अखलाक व आदाब संवारो। मतलब संवार कि हमें अपनी औलाद की तरबियत के लिए कुरान और हदीस से भी रहनुमाई भी मिलती है और हमें कहा भी जाता है और हुक्म हो जाता है कि आप अपने बच्चों के आदाब संवारो, उनका ख्याल रखो अच्छा अब आदाब संवारने से हमारा क्या टारगेट हो सकता है ये सामने आपके हैं मास नीच ये पढ़ाई जाती है साइकोलॉजी क्लासेस में भी बिजनेस क्लासेस में भी आज पेरेंट्स को भी इसके बारे में आगाह करने का पर्पज़ है और वो ये है कि जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं, हर इंसान का कुछ ना कुछ टारगेट होता है अगर आप इस पूरी ट्रायंगल को देखें इस पिरामिड को देखें तो सबसे नीचे आपको जो सबसे बुनियादी जरूरतें हैं वो नजर आती हैं फिजियोलॉजिकल यानी जिसमानी ज़रूरतें जिसमें खाने की ज़रूरत हो सकती है इंसान को रहायश की ज़रूरत हो सकती है नींद की ज़रूरत हो सकती है ये बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करना है इंसान ने सबसे पहला और बुनियादी टारगेट दुनिया के हर इंसान का ये होता है हर एक को ये ज़रूरिया चाहिए होती अच्छा जिन लोगों की ये बुनियादी ज़रूरत पूरी हो जाती है उन्हें खाना मिल जाता है उन्हें रहायश मिल जाती है नींद भी मिल गई उसके बाद वो सेफ्टी चाहते हैं सेफ्टी कैसी कि ये जो खाना उन्हें अब मिला है क्या रात को भी मिल पाएगा कल मिल पाएगा या कब तक मिलता रहेगा जो घर है वो महफूज रहेगा उसे आ, कोई छीन तो नहीं लेगा मुझसे कोई आके यहाँ पे कोई डाका कोई चोरी कुछ ऐसा तो नहीं होगा वो सेफ्टी फील करता हो कि ये जो चीजें हैं ये उसके पास रहेंगी हासिल हो गई अब उसके पास रहनी भी चाहिए अच्छा ये दूसरे दर्जे की जरूरत है पहला टारगेट है कि वो चीज़ें हासिल करना फिर दूसरा है कि उन चीज़ों को सेफ़ एंड सिक्योर बनाना उससे नेक्स्ट दर्जा जब बच्चे को बंदे को ये भी पता चल जाए कि मेरे पास हैं और महफूज रहेंगी तो फिर वो चाहता है कि लोगों से मेरे ताल्लुक़ बने वो फैमिली बनाता है वो दोस्त बनाता है कम्यूनिटी में रहता है लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है और वो चाहता है कि लोगों को से बातों को सुने भी अपनी बात सुनाए भी और उनके साथ मिलजुल कर रहे कुछ मलकियत में हो कुछ बिलोंगिंग हो उनकी और उसके बाद जब इस स्टेज से भी आगे गुजरता है तो एस्टीम सोचता है कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें अब ये जो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनको मैं मिलता हूँ ये मेरे बारे में अच्छा सोचें मेरे बारे में ख्याल रखें और इस जब उससे ये पता चल जाता है कि ये लोग मेरी इज्जत भी करना शुरू हो गए हैं अब मैं रहता भी हूँ साथ तो फिर एक स्टेज आती है और ये स्टेज है टॉप किस्म की स्टेज जिसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऐसा फर्ज जिसको बुनियादी जरूरतें सारी पूरी हो जाएं और उसकी रिस्पेक्ट भी जमाने में बढ़ गई लोग अब उसकी इज्जत भी बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन फिर भी वो सोचना शुरू करता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया मैंने क्या किया ऐसा और कुछ लोगों की ये ये स्टेज जिंदगी भर नहीं आती और कुछ लोगों की कुछ दूसरी जो जरूरियात बुनियादी हैं उनसे पहले आ जाती है जैसे मैं मिसाल दूंगा कि ये स्टेज अब्दुल सतार नाम लीजिए उन्होंने यह काम क्यों किया वो किस वजह से जाने जाते हैं और उनके उस काम की वजह से कितने लोगों को फायदा पहुंचा अच्छा मोहम्मद के बारे में सोचिए, इकबाल इस स्टेज पर पहुंचे ऐसे लोग जिन जिन जिन्होंने जिंदगी में बड़े बड़े कारनामे किए वो अपनी जात से बढ़कर दो उन्होंने किया उन लोगों का रोल था अपने लिए भी किया ऐसे था कि जैसे वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं कुछ हासिल करना चाहते हैं अपने होने का एहसास जिससे उनको दिली तौर पर खुशी और इतमान पहुंचे ये वो सच्ची खुशी और हकीकी खुशी है जिसके पीछे इंसान कोशिश करता है उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करता है और ये टॉप किस्म की नीड है अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को किस परपज़ के लिए तैयार कर रहे हैं किस जगह पे तैयार कर रहे हैं और उनके जहन में किस किस्म की जरूरियात का तस्वुर उभार हाँ तस्वुर उभारने की बात करें तो पर्सनल इमेज पर्सनल इमेज ये है कि बच्चा अपने बारे में सोचता क्या है क्या वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है सेल्फ सेंस ऑफ इंफेरियरिटी का शिकार है सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स का शिकार है या सेंस ऑफ सुपरमेसी का शिकार है डोमिनेट करना चाहता है कॉपरेट करना चाहता है किस तरह का डू दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वो जैसे हैं उसी तरह देख रहे हैं अपने आप को जैसे हैं उससे कमजोर फील करता है बच्चा या अपने आप को ताक़तवर फील करता है तो ये आपकी कम्युनिकेशन है बच्चों के साथ तो ये जो समर वैकेशन स्टार्ट हो रही है ना ये बहुत अच्छा टाइम है आपके पास आपके बच्चों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपके बच्चों के जहनों में तस्वरत बढ़ाने के लिए उन तस्वूर की बुनियाद भी बना सकते हैं और उस बुनियाद को मज़बूत भी कर सकते हैं कि वो अपने बारे में क्या ख़्याल रख सकते हैं उसके लिए आप उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं उनको मुख्तलिफ टारगेट्स दे सकते हैं उनकी इमेजिनेशन को बढ़ा सकते हैं और ये इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए यूज स्टोरी टेलिंग ये सदियों पुरानी टेक्निक है और स्टोरी टेलिंग एक तरह से बड़ी इंसानी फितरत के आन करीब है और इंसान कहानियाँ सुनना चाहता है मुख्तलिफ तरह की कहानियाँ तो बच्चों को कहानियाँ सुनाएं ऐसी कहानियाँ जिसमें उनमें की दिलचस्पियाँ हो और ऐसी कहानियाँ जो उन्हें फिजिकल वर्ड से इमेजिनेशन की तरफ लेकर जाएं कैसी इमेजिनेशन इतनी बड़ी और इतनी अच्छी इमेजिनेशन के जिस तरह वो दुनिया को देखना चाहते हो याद रखें जो तस्वुरा में होते हैं वो एग्जिस्टेंस की तरफ भी आ जाता है जिसके लिए मैं अगर जिक्र करूं आप में से वो लोग जो कहानी पढ़ने या सुनने के पाबंद रहे हैं पाबंद हैं और शौकीन रहे हैं वो लोग एक लफ्स जिसको मैं जिक्र करना चाहूंगा जाम जम आप में से बहुत से लोगों ने इसको सुना या पढ़ा होगा जाम जम जाम जम क्या था ये जो कहानियाँ हमने सुनी और पढ़ी उनमें एक किरदार था जमशेद बादशाह ये बादशाह जमशेद फारस का बादशाह था और बहुत ताकतवर था और बहुत मशहूर भी था उस वक्त की दुनिया में और अपने दौर में उसके पास एक ऐसा आईना था जो उसे दूसरों से मुनफरद करता था कि उसके पास ये ताकत थी कि वो उस आईने में को तो देखते हुए किसी भी चीज़ को देख लेता था किसी भी जगह को देख लेता था किसी भी दूसरे मुल्क को देख लेता था तो ये आईना जो है ये आज कल का मोबाइल हो सकता है आप देखें कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के हालात नजर आ जाते हैं तो ये तस्वुरात में कहीं था कि ऐसा आईना होता है आप जिक्र करें आ, एक जाम जहा नुमा के तौर पर वो जहा नुमा एक ऐसा आला था जो रास्ता दिखाया करता था कहानियों जो लोगों को भटके हुए काफिलों को जो फौजों को जो तजारती काफिलों को जो मुसाफिरों को रास्ता दिखा देता था कि ये रास्ता इस तरफ है तो जहां नुमा आज का गूगल मैप कहाँ पे पहुंच चुका है और अगर जिक्र करें कि वो जिक्र होता था उड़न खटोले का ये सदियों पार पुरानी कहानी है भाई उड़न खटोले में बैठे और एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो आज का हेलीकॉप्टर और जहाज वहां पर पहुंचे हुए तो जो तस्वरत में चीजें आई इंसान के वो एग्जिस्टेंस में भी आ गई तो बच्चों को फिक्शन की तरफ कहानियां सुना के उनकी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करें उनकी इमेजिनेशन में उन जो भी सोचते हैं उसको रियलिटी के साथ लिंक भी कर सकते हैं ताकि बच्चे जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचते हैं उनको वो भी विजनरी बने वो भी अपनी दुनिया को वैसा खूबसूरत और ताकतवर करना चाहें वो अपने आप को भी ताकतवर करें और अपनी दुनिया को भी वो बेहतर बेहतरी की तरफ लेकर आए तो स्टोरीज उनसे सुने भी वो क्या कहानी सुनाना चाहते हैं और स्टोरीज उनको सुनाएं भी तो ये स्टोरीज हैं जो आप सुन सकते हैं अब उनको खेलने के लिए ओपन हैंडिड मटेरियल दीजिए ओपन हैंडेड के आप उनको कोई चीज दें और उनसे कहें कि वो इस चीज को अपनी मर्जी से मोल्ड करें जैसे प्ले डो दे दी तो प्ले डो में आप सिर्फ उनको मखसूस ना करें कि आज आपने यहां इस प्ले डो की मदद से एक कप बनाना है और ये इस तरह का कप होना चाहिए बल्कि आप उनसे ज्यादा से ज्यादा मुख्तलिफ शेप्स में बनाने चाहिए आज तो अगर आपने इस कमरे में मौजूद कोई चीज बनानी है जो पड़ी नजर आ रही है तो वो बनाना शुरू कर दें और अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई चीज बनानी है जो इस कमरे में हो जो इस वक्त नहीं है लेकिन आप ला के रखना चाहते हैं तो वैसा कुछ बनाना शुरू कर दें आपने प्लेटों दे दी आप उसको पेपर और पेंसिल दे सकते हैं कलर्स दे सकते हैं आप उसको खेलने के लिए छोटा पेपर और उसको काट फिर स्ट्रिप्स दे सकते हैं आप उसको कपड़े की कुछ स्ट्रिप्स दे सकते हैं कुछ चीज़ें दे सकते हैं जो वो खेल सकता हो उसके साथ उन मुख्त उन बच्चियों को बेटियों को खिलौने ऐसे जिसके लिए वो नई से नई चीज़ें खुद बना सकते हैं वो दे सकते हैं और वो चीज़ें आपको आ, बच्चे की इमेजिनेशन और बच्चे के जहन को वसी करने में स्ट्रोंग करने में हेल्प करेंगे अच्छा अब इमेजिनेशन का ये तस्वर तो अगर मैं बता दूँ तो इमेजिनेशन है क्या एक तो वो चीज है जो आप देखते हैं आपके सामने और आपको नजर आती है ये तो विजुअल में है इमेजिनेशन है कि आपने आंखें बंद कर ली तब आप कुछ देख लें या इवन आप खुली आंखों से भी कुछ ऐसे तस्वरत में पहुंच जाए ख्याल में पहुंचे जो इस वक्त आपके सामने नहीं है लेकिन आप वहां पहुंच जाए तो ये इमेजिनेशन आपको पहुंचा देती है आपको ताकतवर करती है आपको वहां पहुंचा देती है जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं और वो चीजें आपके लिए हाजिर कर देती है जिनको आप हासिल करना चाहते हैं तो बच्चों को की इमेजिनेशन को स्ट्रॉग करें उनके इमेजिनेशन में जो चीज़ें आती हैं उनके साथ खेलें और खुद भी उनकी इमेजिनेशन में सफर करें उनको ख़्वाब देखने दें उनको तस्वूर लेने दें वो तस्वरत में पहुँचेंगे ख़यालत में पहुँचेंगे तो वही चीज़ें जो ख़यालत और तस्वरत में देखेंगे अगर आप ये सफर करके सिर्फ उनके तस्वुर में सफर करके उनके साथ बाग में शामिल होकर आप वहाँ पहुँचें और उनसे उनके तस्वर के बारे में जानें और अगर वो अच्छे हों तो उनको उस पर इंक्रेज करें उन तस्वरत को उनको हेल्पफुल हेल्प help करें उनकी कि वो ऐसी दुनिया या ऐसी चीज़ों को बनाने की तरफ सोचना शुरू कर दें चीज़ें वो हासिल कर ही लेंगे वो वहां पहुंच ही जाएंगे आ, कहते हैं कि जी हमारे पास कैसे उस जगह तक पहुंचेंगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं तो जो बच्चे तस्वुर कर सकते हैं ना ख्याल कर सकते हैं देख एन अचीव दैट ऐस ऐसा ही कुछ हुआ था अगर आप देखें तो एक साइकिलों की वर्कशॉप में रहने वाले काम करने वाले और उसको ऑन करने वाले दो भाइयों ने आ, ऐसा आ, काम किया कि दुनिया के लिए फायदा हो गए दुनिया को हैरान भी कर दिया और दुनिया के लिए इतना अच्छा काम किया वो विल्बर और ऑल्बर राइट ब्रदर्स ने जहाज बना दिया भाई उड़ना शुरू कर दिया तो वसाइल तो उनके पास भी आ गए ना तो वसाइल होते हैं उन वसाइल का इस्तेमाल है यानी आज जो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें उसका प्लास्टिक है लोहा है या सिल्वर है ये चीजें तो पहले भी थी दुनिया में लेकिन इसको इस्तेमाल करना एक नए तरीके से इस्तेमाल करने और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने से ये आला वही धात कितनी कीमती हो गई तो बच्चों की इमेजिनेशन को भी स्ट्रांग करें और उनको कोशिश करें कि ओपन एंडेड क्वेश्चन दें उनको ओपन एंडेड मटेरियल दें वो इस्तेमाल कर सकें जितना बेहतर हो सके इमेजिनेशन उनकी स्ट्रांग करते चले जाए मैं इमेजिनेशन के लिए बेहतर पहले भी, भी बता चुका हूँ कि ये बहुत ताकतवर इस है ताकतवर पहलू है इंसानी क्वालिटीज़ का तो जितना हो सकता है इसको नर्चर करें नर्चर देर इमेजिनेशन इन और इमेजिनेशन में वो क्रिएटिविटी करते हैं तो उस क्रिएटिविटी को अगर बढ़ाना है तो उनको फिक्शन में कहानियों में उनकी इमेजिनेशन में उनके ख्याल में उनके साथ सफ़र करें उनको उनकी उनकी गुफ्तु को सुने कि वो क्या देख रहे हैं क्या तस्वुर कर रहे हैं रियलिटी में भी चीज़ों को बताएं लेकिन छोटी उम्र में स्पेशली तीन से सात साल की उम्र के बच्चे जो गुफ्तु कर सकते हैं उस वक्त जिन चीजों के तस्वत ला सकते हैं उस उम्र में उन बच्चों के तस्वरत पे उनसे बात करें हाँ इन देर डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट है कि आप किसी एक समत में सोचें डाइवर्जेंट है कि आप समतों में सोचना शुरू कर दें मुख्त की चीजों को सोचना शुरू कर दें वो सिर्फ आ, सामने जो पॉसिबिलिटीज हैं उनकी तरफ ही ना रहें वो उससे आगे बढ़ जाएं, अल्टरनेटिव्स की तरफ आ जाएं, यानी एक ही प्रॉब्लम के कई हल लेकर आएं एक ही चीज़ के कई नाम ले आए एक बात को कहने के कई अंदाज इख्तियार कर लें आ, एक जगह को बनाने के लिए काम को करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो शुरू से ही आ, वो कोई आ, कप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्ले भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए पेपर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा उसके लिए गीली मट्टी भी इस्तेमाल हो सकती है उसके लिए प्लास्टिक भी इस्तेमाल हो सकता है उसके लिए लकड़ी भी इस्तेमाल हो सकती है तो वो जो छोटी सी चीज़ों से एक ही चीज़ बनाने के लिए मुख्तु लेकर आएगा चीज़ ऑब्जेक्ट या एक ही किस किस्म के ऑब्जेक्ट से मुख्तलिफ चीज़ें बनाना शुरू कर देगा।, देगा जैसे उसने प्लेटों से ही कप भी बना लिया उसने उसी से मोबाइल भी बना दिया उसी से उसने ट्यूबलाइट बना दी या वो टीवी बनाना शुरू कर देता है या वो कोई स्नेक और स्पैरो बनाना शुरू कर देता है तो ये बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग में उसे हेल्प करता है कि भाई मैं एक चीज़ को मुख्तलिफ परपज के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ तो ये बुनियाद है जो बच्चे की आहिस्ता आहिस्ता बन रही होती है तो उसमें हेल्प करें बच्चे को ऐसी उन तमाम एक्टिविटीज में घर में रहते हुए जब आप उनके साथ ऐसे आ... काम को आप करेंगे उनके साथ बच्चों के साथ डिस्कशंस करेंगे तो ज़रूर वो बच्चे आपको एक ही चीज के नए नए हल भी लेकर आएंगे नए क्वेश्चन भी करेंगे और उनके सवाल इतने क्रिएटिव हो जाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये हमारे बच्चे हैं और इस तरह सोच रहे हैं हाँ प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट वेन इट कम टू दिस पॉइंट आई डिलीबरेटली गो फॉर इट नॉर्मली हमारे यहां इस चीज की बहुत शिद्दत से कमी है रिजल्ट को एंड रिजल्ट को देखते हैं ये प्रोसेस कैसे हुआ उसकी प्रोसेसिंग कैसे हुई ये नहीं देखते ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप एक सफर पे जाए आपने आ, किसी एक खास मंजिल पे पहुंचना है और आप सवार हो गए सवारी में और बस उस मंजिल का तस्वर किए हुए ही वहां पहुंचे लेकिन रास्ते की खूबसूरतियां रास्ते में पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के मनाजर उन वहाँ पाने पाई जाने वाली मुख्तलफ सहूलियात उनको आपने देखा ही नहीं उनका आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया उनके बारे में आपने जाना ही नहीं तो वो महरूम रह गए आप उन चीज़ों से उन मसनवात से उन तस्वुरा से और उस नेचुरल नेचुरलरी से भी वहाँ के रहने वाले लोगों से भी कल्चर से भी आप आशना ही ना हो पाए तो आप कहीं अगर जा रहे हैं तो प्रोसेस मोर इम्पॉर्टेंट दैन द प्रोडक्ट इट सल्फ कि सफर ज्यादा खूबसूरत है सफर में आने वाली रास्ते की जो खूबसूरतियां वो अहम हो जाती आपकी ज़्यादा की मुतमनी भी होती हैं और तवज्जो करने की अहलियत भी रखती हैं। लेकिन आप मंजिल तक जाने के लिए उसको छोड़ जाते हैं बिल्कुल ऐसे ही बच्चे की तलीमी प्रोसेस में बच्चे ने एंड प्रोडक्ट जी बच्चे ने क्लास में रिजल्ट क्या हासिल किया वो अहम है लेकिन उससे कहीं ज्यादा अहम है कि उस बच्चे ने उस क्लास में जो सारा साल गुजारा उस साल के दौरान एक एक दिन में उसने बच्चों के साथ अपने क्लास फेलोज के साथ अपने टीचर के साथ अपनी किताबों के साथ क्या वक्त गुजारा और वो जो वक्त गुजारा वो जो एक्टिविटीज की उसके दौरान क्या सीखा तो ये जो आप भी सारा दिन कर रहे होंगे बच्चे को कुछ बनाने के लिए अगर दे दिया बच्चे को कुछ चीज़ प्रोडक्ट बनाने के लिए दे दी तो वो प्रोडक्ट तक पहुंचा कैसे उसने कोई शेप बनाकर कलर्स करके आपको दे दी आप उसकी तारीफ तो कर सक करें या उसकी तनकीद करें लेकिन अगर उसके साथ डिस्कशन करें कि आपने इसको जब शेप बना रहे थे तो आपने ये कैसे ड्रा किया किस ऑब्जेक्ट की आपने हेल्प ली कलर जब इंतखब कर रहे थे आपके पास बारह किस्म के मुख्तु कलर्स थे तो वाई डिड यू सिलेक्ट दिस ब्राउन एंड येलो और ई डिड यू पिकलो ओवर पिंक इस पर उनसे डिस्कशन करें बच्चा बताया कि मैंने क्यों किया और प्रोसेस करते हुए कहां पहुंचा और जब वो काम कर रहे हैं उस वक्त उसकी ऑब्जर्वेशन करें गुफ्तु करेंगे उसके बारे में तो बच्चे को ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा तो एंड प्रोडक्ट अहम है लेकिन प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट ट्राई करें कि उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस के दौरान गुफ्तगु रहे क्लास में उसकी गुफ जो वक्त गुजर रहा है वो कैसा है टीचर्स के साथ उसका वक्त कैसा है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट हाँ स्पोर्ट रिस्क टेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कोशिश करें कि बच्चों को छोटे छोटे ऐसे काम खुद करने दें जो आप उनके लिए करते हैं उनको अपने लिए डिपेंडेंट होने दें कुछ थोड़ा सा काम करने दें हट के भी करने दें छोटे छोटे रिस्क उनको लेने दें लाइक बर्तन अगर छोटा बच्चा है और उसे बर्तन कांच के हैं शीशे के हैं तो उसे उठा के रखने दें थोड़े वो कर लेगा और अगर उन चीजों को मिला कर रखना है उसने किसी जगह पे या एक ट्रे में उठा कर रखना है तो उसकी हेल्प करें उसको बताएं लेकिन उसे करने दें उसे खुद एक जगह से दूसरी जगह सामान रखना है तो वो किन तरीकों से रख रहा है उसे एक तो तरीका आपने बता दिया गुड आपने गाइड कर दिया लेकिन इसने सिर्फ वही तरीका सीखा अगर वो कुछ और तरीकों को भी सीखने की कोशिश कर रहा है तो उसे करने दीजिए ट्राई दैट हाँ वेरियस आर्ट फॉर्म्स दीजिए लाइक बच्चे कलर करना भी पसंद करते हैं ड्रा करना भी पसंद करते हैं बच्चे सिंगिंग भी पसंद कर सकते हैं कुछ म्यूज़िक बजाना भी पसंद कर सकते हैं लिखना पसंद कर सकते हैं पढ़ना पसंद कर सकते हैं डायलॉग डिलीवरी कर सकते हैं सीरियस रहना पसंद कर सकते हैं फनी रहना पसंद कर सकते हैं तो वो जो अगर कुछ मख्त करना चाहते हैं तो उनको हेल्प करें इनक्रेज करें हाँ बल्कि डेलीबरेटली कोशिश करें कि उनको मुख्तलिफ तरह के काम करने का मौका मिले उनको इनडोर एक्टिविटीज़ भी दें आउटडोर एक्टिविटीज़ भी दें अपनी फैमिली के साथ भी और स्ट्रेंजर्स के साथ भी जिस हद तक मुमकिन हो सेफ्टी को मद्दनजर रखते हुए ज़रूर दीजिए आप उनको बताइए ये उनके एतमाद में और उनकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है द रीज़न मैं नॉर्मली ये कोट करता हूँ कि बेटा है या बेटी है ना तो हम सारा वक्त उनके साथ रह सकते हैं ना सारी उम्र उनके साथ रह सकते हैं तो फिर हम कर क्या सकते हैं उनके लिए बेहतरीन वो ये है कि उनको इस तरह की तालीम दें इस तरह की तरबियत दें कि वो जिस जगह पे हो, जिस माहौल में हो, जिस वक्त भी हो, वो अपने लिए और अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहतर फैसला कर सकते हो अच्छे काम कर सकते हो नतज अच्छे ले सकते हो प्रोसेस अच्छा कर सकते हो तो उनको उसके तैयारी के लिए जरूरी है कि उनको मुख्तलिफ किस्म के काम करने के मौाक दिए जाए वो अगर पसंद करते हैं कोई काम तो उसको करने के लिए उनको एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए उनको म्यूजियम में लेकर जा सकते हैं आर्ट गैलरी में लेकर जा सकते हैं स्कल्पचर बनाना कोई जगह है तो उसमें दे सकते हैं किताबें पढ़ने का शौक है तो उनके साथ बैठ किताबें पढ़ सकते हैं इवन टॉय भी हैं तो खेल में उनके साथ शामिल हो जाए उन्हें खेलने दें ग्राउंड एक्टिविटी में कर सकते हैं वो ग्राउंड में जाकर खेलना चाहते हैं तो उनके साथ खेलें या उनकी उम्र के बच्चों को उनके साथ खेलने दें ट्राई करें कि वो जहाँ जिस चीज में दिलचस्पी लेते हैं उस दिलचस्पी में उनका साथ दें उनको बढ़ाएं उस तरफ और वो अगर अपनी दिलचस्पी उस तरफ रख रहे हैं दे कैन डू समथिंग बेटर लेट देम डू दिस थिंग्स जितना मुमकिन है उनको एक्सपोजर दें इसके बारे में जब भी वक्त मिला ये मैं पहले सी टी बीजी के हवाले से भी बता चुका हूँ जब भी मौका है बच्चों की तारीफ जरूर कीजिए तारीफ इंसान को बहुत पसंद है तारीफ तो इवन खालिक को बहुत पसंद है अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि मेरी तारीफ की जाए सुबह अल्लाह कहें तो उसके दर्जात कितने बढ़ जाते हैं सवाब तो कितना मिलता है तो इंसान को भी तारीफ पसंद है और मैं तो नॉर्मली कहता हूँ भी मुझे तारीफ बहुत पसंद है जैसा हर फर्द जो तारीफ मेरी कर रहा हो मुझे बहुत अच्छा लगता है खा वो झूठी भी कर रहा हो मैं तो उस वक्त भी खुश रहा हूँ मुझे पता चल रहा होता है कि तारीफ ठीक नहीं हो रही लेकिन फिर भी खुश हो रहा होता हूँ कि चले तारीफ़ तो कर ही रहा है ना तो भाई तारीफ पसंद है बच्चों को भी पसंद है बड़ों को भी पसंद है तो बच्चों की तारीफ किया करें जब भी मुमकिन है आ, इस पिक्चर में जैसे दिखाया कि ना सिर्फ रिजल्ट पे बल्कि अगर वो काम कर रहा है कोई अच्छा जैसे ब्रश कर रहा है तो उस वक्त भी तारीफ करें कि उसने टीथ ब्रश कर लिया उसने हेयर ब्रश कर लिया उसने ड्रेस पहन लिया उसने अच्छा काम जब भी किया उसकी तारीफ जरूर करें रियलिस्टिक किस्म के गोल्स में हेल्प करें छोटे छोटे गोल्स जो वो हासिल कर सकते हो काम दे दें उनको घर को मैनेज करने के लिए अपने बिस्तर को मैनेज करने के लिए अपने कमरे को मैनेज करने के लिए कुछ टास्क दे दें कि भाई ये काम आपने करना है आज आपने बिस्तर सेट करना है और वो हासिल करने की कोशिश करें पढ़ने का कोई टास्क दिया तो आपने ये किताब के आज दो सफ़े पढ़ने हैं और उस पर हम डिस्कशंस करेंगे फिर अब बच्चा दो सफ़े पढ़ लेगा अगर आपने कोई ऐसा टास्क दे दिया कि आज आपने किताब पूरी करनी है या किताब का चैप्टर पूरा पढ़ना है हो सकता है कि बच्चा उस वक्त ना पढ़ पाए हाँ अगर वो खुद पढ़ना चाहता है तो ज़रूर पढ़े जितना ज्यादा पढ़ना चाहता है कर ले उससे बढ़ जाए लेकिन आप कोशिश करें कि आप उनके साथ जब गोल सेट करें तो रियलिस्टिक हो चैलेंजिंग हो लेकिन इम्पॉसिबल ना हो अनअचीवेबल ना हो ऐसा कोई गोल ना सेट कर दे कि बच्चा खुद से सोच ले मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा इसलिए मैंने करना ही नहीं है बल्कि वो करने की तरफ रागिब हो खुशी से सोचे कि हाँ भाई मुझे ये करना है मैं ये करूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा और उसको हासिल करने की कोशिश करे वो वो कोई भी काम करना चाहते हैं ना जिंदगी में इफ दे टू बिकम स्पोर्ट्स पर्सन अ राइटर मे बी एन इंजीनियर चीजों का करना uh, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही अच्छी जिंदगी नहीं गुजारते बल्कि अब तो ये ऐसे ऐसे शोबे दुनिया में आ चुके हैं जो एग्जिस्ट करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में और ऐसे शोबे जिनका पहले कभी हमने सुना भी नहीं था जैसे सिस्टम एनालिस्ट टाउन प्लानर्स अखे हिल में है कि ये ये क्या काम थे एनवायरमेंटल स्ट्रेटेजिस्टिक ऐसे शोबे हैं जो बहुत अच्छी रेपुटेशन के साथ जाने जाते हैं डिमांड है और लोग इनको अपने साथ काम करते हुए देखना चाहते हैं अपने लिए काम करते हुए देखना चाहते हैं तो भाई ऐसे शोबे अगर कोई आर्किटेक्चर बनना चाहता है उसके लिए कोशिश करें तो अगर कोई आ, बहुत अच्छा इंटीरियर डिजाइनर में है तो इंटीरियर डिजाइनर की तरफ आ जाए कोई बहुत अच्छा टाउन प्लानर बन सकता है तो उसकी तरफ आ जाए तो बहुत सारे शोबे हैं अब बच्चे को अपने पैशन में अपने हुनर में आगे बढ़ने दीजिए और कोशिश करें कि जो वो करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करें उसमें हाँ सेट सम रूल्स में भी उसकी पर्सनल लाइफ के लिए भी और फैमिली लाइफ के लिए भी उसके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वह रूल्स पे अमल करना सीखे और बच्चा रूल्स पे अमल करना स्टार्ट करता है घर से भाई सोना कब है जागना कब है खाना खाने का वक्त किस वक्त है चीज़ें किस जगह पे रखनी है किस तरह रखनी है ये सारी चीज़ों का स्टार्ट घर से हो रहा होता है तो ये बड़ा अच्छा टाइम है सबर वेकेशन का कि उनके साथ कुछ रूल्स तय करें मिल के बैठ के तय कर लें और जो रूल्स बनाएं उसके बारे में इंट्रोड्यूस हो गया पहले फिर उनकी सपोर्ट करें कुछ दिन के लिए लेट्स से द फर्स्ट वीक यू आर सपोर्टिंग हाँ हमने ये रूल बनाए और अब हम इस पर अमल करेंगे और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ जाए कंसिस्टेंट रहे रूल्स बनाए हैं तो रूल्स पे अमल करना होगा और अगर रूल्स के बाहर निकलना है तो फिर भी रूल बनाकर कुछ निकलना होगा सम लॉजिक हो उसके पीछे अगर आप इस कम्युनिकेशन में अपने बच्चों के साथ रहेंगे तो उनके सेल्फ ऑर्गेनाइज होने में आप उनकी हेल्प कर रहे होंगे उनसे आगे बढ़ने उनको आगे बढ़ाने में उनको पर्सनल लाइफ में उनके प्रोफेशनल लाइफ में उनकी हेल्प कर रहे होंगे तो समर वर्क इज नॉट ओनली अबाउट देयर होमवर्क और देयर बुक्स और सच थिंग अपना टाइम टेबल शेड्यूल कर सकते हैं ना रूल्स बना लिए टाइम टेबल शेड्यूल है जिसमें आपने शामिल कर लिया कि कितना वक्त उन्हें खिलौनों के साथ गुजारना है कितना वक्त उन्होंने बुक्स के साथ गुजारना है कितना वक्त उन्होंने ड्राइंग करते हुए गुजारना है कितना वक्त उन्हें स्क्रीन टाइम देना है तो ये स्क्रीन टाइम ये बना लिया आपने रूल किस वक्त उन्हें खाना खाना है किस वक्त उन्हें सोना है आप जब उनके साथ रूल्स बना लें और उन रूल्स पे फिर सपोर्ट करें उनको अंडरस्टैंड करने में और पहले दिन आपने रूल बना लिया एक हफ्ते के लिए आपने उनको सपोर्ट कर दिया ताकि वो हर रोज उस रूटीन में आना शुरू हो जाए कर देते हैं। लेकिन अगर वो फिर भी अमल नहीं कर रहे तो देन कम टू भी सेट कर लें उनके साथ कि अगर ऐसा होगा तो फिर ठीक चलता रहेगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे फिर क्या चीज है जो आपको खोना पड़ेगी क्या चीज है जो आपके लिए नहीं होगी तो जब बना लें तो फिर उस पे कंसिस्टेंट रहें जी ईच डे ऑफ आवर लाइफ वी मेक डिपॉजिट्स इन द मेमोरी बैंक्स ऑफ आवर चिल्ड्रन हाँ ऐसा है ना हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम अपने लिए भी तो कर रहे हैं लेकिन अगर बच्चे हमारे इधर हैं तो हम उनकी ज़हनो में अपनी यादें उनके ज़हनो में भरते जा रहे हैं ये हम करते कैसा हैं उठते कैसा हैं बोलते कैसा हैं बात कैसे करते हैं हम रिएक्ट कैसे करते हैं एक्ट कैसे करते हैं हम कोई भी काम करने का तरीका क्या इख्तियार करते हैं तो भाई हम उनके मेमोरी बैंक को बढ़ाते जा रहे हैं वो जो काम खुद करते हैं वो वो भी कर रहे हैं वो जो सीखते हैं उसमें हमारा रोल भी बहुत अहम है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं तो वो हमारा तस्वुर अपने सामने रखते जा रहे हैं और चीज़ें लेते जा रहे हैं अब क्वेश्चन के बारे में बताता चलो यहाँ ये लाइव सेशन हो रहा है आपके लिए बट वट यू कैन डू यू कैन पुट योर क्वेश्चन थ्रू और व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्कूल ने आपको दिए हैं जो आपने अपने दिए हैं तो वो भी हो सकते हैं अभी कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे आए हैं जो मेरी टीम मुझे बता रही है कि आप इनको पढ़ लीजिए और अगर कुछ क्वेश्चन को एड्रेस किया जाए तो दिस इज द टाइम जैसे एक सवाल है शबनम खोखर साहिबा ने किया है कि अगर बच्चा अपना होमवर्क अपनी मर्जी से करे और गलत करे तो क्या करें बच्चा अपनी मर्जी से कर रहा है और गलत कर रहा है अच्छा उससे काम करने दीजिए अब गलती डिपेंड करता है वो किस तरह की कर रहा है और ये भी बताएं इंसान गलतियां करने से सीखता है अगर वो गलत कर रहा है उसे कर लेने दीजिए करने के बाद उससे गुफ्तु कीजिए उससे कि आपके ख्याल में ये क्या है आप क्या समझती हैं और आप बच्चे से पूछिए कि वो इसको क्या समझता है और ट्राई करें कि कन्विंस करें उन्हें कि ये सवाल इसका जवाब इस तरीके से हो सकता है या ये लेटर इस तरीके से लिखा जाना चाहिए लेकिन गलत कर रहा है तो उसे करने दें उस वक्त हाँ आप बता सकते हैं लेकिन गलती को उसी वक्त उस वक्त सही ना करें जरूर ज़रूर डिस्कशन करें उसके साथ बाद में उसके साथ डिस्कशन करें कि आपने इसको इस तरीके से लिखा तो कैसे है और कोशिश करें कि वो बच्चा उस गलती को समझे और फिर उसको सीख कर आगे बढ़े तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा लेकिन ग्रोथ देखते जाए कि तो वो ये गलती को दोहराता है या उस गलती से सीखता है और आगे बढ़ जाता है एक क्वेश्चन आया है कि कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव करने की टिप्स बाय मिस नोफल तो भाई इसमें कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव करने के लिए स्टार्ट में बताया कि उनको बताएं कि आप जो काम करते हैं और जो कर कर, करते हैं उनको आजादी से करने दीजिए उनको अपने बारे में तस्वुर बेहतर कीजिए उनकी तारीफ कीजिए जितनी आप तारीफ करेंगे उनके सही कामों पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता चला जाएगा और हाँ गलतियों पर हर वक्त तनकीद बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करती है तो कुछ काम है जो नहीं करने वो ये है कि जब बच्चा गलती कर रहा हो उसको उसी वक्त टोकना नहीं है उसको डांटना नहीं है उसी वक़्त बल्कि गुफ्तगु करनी है उसके बाद कि आज आप जो ये काम कर रहे थे ये कैसा था और हाँ तारीफ सबके सामने भी हो जाए तनकीद कोशिश करें कि अकेले में हो किसी भी और फर्द के सामने तनकीद इंसानी रवैये में तब्दीली ले आती है वो आपकी बात को सुनना नहीं चाहते बल्कि शेल में चले जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है अगर तनकीद खुले में की जाए तो कुछ लोग काम करना ही छोड़ देते हैं तो कोशिश करें कि उनकी तारीफ तो सबके सामने करें और तनकीदा में करें एक और सवाल है कि आ, क्या समर वेकेशन में इसी टॉपिक पे कुछ ऐड किया गया है समर वेकेशन वर्क ये सेशन इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप लोग जब बच्चों के साथ गुफगु करें बच्चों के साथ रवैया रखें तो इन टिप्स का ख्याल रखें ये सेशन स्पेसिफिकली प्री स्कूल चिल्ड्रेन के बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए है उन बच्चों के लिए जो बहुत छोटे हैं अभी और उनके पेरेंट्स उनके साथ कैसा रवैया रखें उनकी बुनियादें कैसी बना रहे हों तो इन बुनियादों को बेहतर करने के लिए ये सेशन आज ऑर्गेनाइज किया गया है और जो समर कैंप समर वर्क दिया जा रहा है वो उनका रूटीन अकेडमिक वर्क है उस अकेडमिक वर्क को मुकम्मल करने के लिए उनकी हेल्प कीजिए लेकिन उसका परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है और एक और काम कीजिएगा जो मदर्स को बड़ा स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूँ ये जो समर प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है ये आपका काम नहीं है ये उस बच्चे का काम है जिसके लिए दिया गया है वो बेटी है बेटा है उसे खुद करने दीजिए अगर वो, वो आड़ा तिरछा कुछ लिख देगा नथिंग हैपन्स लेकिन वो खुद करेगा तो वो ज्यादा वैल्यूएबल है और अगर उसमें गलतियां भी होंगी तो भी कोई मसला नहीं लेकिन अगर आप करके दे देंगे तो फिर मसला है भाई फिर इसका मतलब आपने उसकी लर्निंग रोक दी अच्छा एक और सवाल है कि हाउ टू आस्क कवर चाइल्ड नहीं भाई यहाँ मैं ये बता दूं बच्चों से सवाल पूछने का तरीका आपका अप्रोच है कि बच्चे को ओपन करें कि क्या वो जो सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल का जवाब उस बच्चे को देना आता है या नहीं तो आप उसके साथ बैठ के गुफ्तगु इस तरीके से अगर करेंगे अच्छा आज का दिन कैसा रहा हाँ अच्छा था बस रूटीन था बोरिंग था इस तरह के सवाल जवाब आएंगे ना लेकिन अगर आज पूछें अच्छा आज आपने क्लास में किताब कौन सी खोली थी या आज आपकी मैम ने बोर्ड पे कुछ लिखा था या आज आप क्लास में किस चीज का इस्तेमाल किया था क्या किताब खोली थी कोई प्लेडो ली थी कोई आपको वर्कशीट दी गई थी पेंसिल दी गई थी कलर्स देखे तो क्या दिया था अच्छा कलर्स मिले थे तो उन कलर्स के साथ आपने क्या किया हाँ मैंने कलर किया कौन सा कलर मिला था आपको और आपने किस में कलर किया इस तरह सवाल बाइफरकेट केट करके पूछेंगे प्रॉपर उससे तो बच्चे बताना शुरू कर देते हैं अच्छा आपके साथ कौन कौन बैठा हुआ था कौन सा बच्चा बैठा हुआ था उस बच्चे से आपकी क्या गुफ्तु हुई आपने उस बच्चे की क्या हेल्प की या आपने कुछ सवाल पूछा आज मैड मैन से अपने से या उस बच्चे से कुछ सवाल पूछा पूछा आपने तो इस तरह सवाल लोगों को बाइफरकेट करके पूछेंगे तो बच्चे सवालों के जवाब आपको देना शुरू कर देंगे कि क्लास में उन्होंने क्या किया हाँ जी बच्चा अपने खिलौने होते हुए भी दूसरे के खिलौने मांगे तो क्या करें इसे कहते हैं शेयरिंग और बच्चों को कोशिश करें कि बच्चे अपने खिलौने के साथ भी खेलें और अगर बच्चा दूसरे किसी बच्चे के खिलौने मांगता है और अगर आपके अप्रोच में है तो आप उन बच्चों को मिलकर खेलना सिखाएं शेयर करना कि आप अपने खिलौने भी लाएं वो दूसरे बच्चा भी अपने लाए फिर मिलकर खेलें और अगर मिलकर खेलेंगे तो ये टीम वर्क पैदा होगा सोशली ये स्ट्रांग होंगे बच्चे ये दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखेंगे और अपने लिए टीम बिल्ड करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा कि उनको इसलिए इस, इसकी तरफ लाया जाए अपने खुल खिलौने की अहमियत भी बताई जाए और दूस अपने अपनी चीज़ों की भी और दूसरे लोगों की चीज़ों की भी केयर करने के बारे में बताया जाए जी एक और सवाल है हाउ टू स्टॉप फाइटिंग एक नहीम फैसल साहब ने ये बता रहे हैं अच्छा बच्चे लड़ते क्यों है पहले तो हमें ये देखना होगा रोकने से पहले कि वो लड़ रहे क्यों है बच्चों ने माहौल में कुछ ऐसा देखा है जो उन्हें लड़ने की तरफ लेकर आ रहे हैं किसी बच्चे से कोई चीना झपटी हुई है या उसने चीना झपटी करते हुए देखा है तो तभी लड़ रहे हैं ट्राई करें सबसे अच्छा मामला रोकने का गुफ्तु है और गुफ्तगु के दौरान बनाए हुए रूल्स हैं वो लॉज हैं कि भाई हम क्या लॉज बनाएंगे जैसे अगर वो वर्बल लड़ाई है तो उसके लिए हम कौन से अल्फाज जब भी हम एक दूसरे से बात करेंगे तो कौन से अल्फाज का इंतबाब करेंगे हम वॉल्यूम लेवल कितना रखेंगे और अगर वो फिजिकल लड़ाई की तरफ आते हैं तो हम नो टच रूल कह सकते हैं बना लें कि एक दूसरे को टच नहीं करना हम वजह को जाने कि वो लड़ने की वजह क्या है क्या रीज़न है कि वो एक दूसरे को फाइट कर हैं और उस वजह का हल करें उसको ट्रीट करें उस वजह को उन बच्चों के साथ डिस्कशन करके हल करें तो वो ठीक हो जाते हैं बच्चे और बच्चे तो प्यार एक दूसरे से करना चाहते हैं और बच्चे तो बहुत ज़्यादा प्यार चाहते भी हैं और प्यार बाँटते भी हैं हमें चाहिए कि उन बच्चों को प्यार की तरफ लेकर आए तो अभी ये वक्त आज का ख़त्म हुआ चाहता है से आगे बढ़ते हैं बहुत शुक्रिया आप सबके इसमें शामिल होने का ये एक सवाल करता हूँ नॉर्मली पेरेंट सेशन के एंड में हु डू यू थिंक इज लकीयर आप क्योंकि आपको ये बच्चे मिल गए आप बहुत लकी हैं या ये बच्चे ज्यादा लकी हैं कि उनको आप मिल गए माँ बाप के तौर पर आप एक माँ बन गई भाई हाँ ये आपके पास आ गया अगर ये आपका बच्चा ना होता तो किसका होता और इसको कैसे माँ बाप मिले होते या आपको ये जो बच्चे मिले हैं इसकी वजह से आप लकी हैं तो ये सवाल का जवाब मुझे नहीं चाहिए आप खुद सोचिए अपने लिए भी और ये ख्याल देखिए कि हाँ भाई ये बच्चे अगर हमें मिले हैं तो कितने खुश हैं हम कि हमें ये परवरिश करने का इनका मौका मिल रहा है वी uh, होप अभी क्वेश्चन के लिए और कह रहे हैं इनशाला नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चन लिए जाएंगे और वाइल वी ट्राई टू टीच अवर चिल्ड्रेन अबाउट लाइफ अवर चिल्ड्रेन टीच हमें बच्चे सिखा देते हैं कि जिंदगी है क्या हम सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली तो हमारे बच्चे हमें सिखा देते हैं कि ज़िंदगी है क्या उम्मीद है आज कि इस सेशन से आपको कुछ अपने लिए अपने बच्चों की रूटीन सेटल करने के लिए विजन के लिए अगर वे बैक करूँ तो वो बच्चों के टारगेट सेट करने के लिए बच्चों की इमेजिनेशन स्ट्रांग करने के लिए वो जो टिप्स आपसे शेयर की गई हैं आप उनके बारे में उनको जानेंगे भी और उन पर अमल भी करेंगे थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू आ, इस सेशन को अटेंड करने के लिए इस अ, सेशन सेशन को कामयाब बनाने के लिए हम उन तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने इसमें शामिल हुए और अगर आप इस तरह के मज़ीद सेशन को अटेंड करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसको लाइक कर लीजिए इसको नोटिफिकेशन बटन भी इसका उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब कभी भी हम कोई नोटिफिकेशन कोई सेशन ऐसा करना चाहें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए ये आप सब लोगों के लिए बहुत कारामद होगा वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल